हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप गूगल क्लासरूम में किस तरह से अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि जो गूगल क्लासरूम है, ये फ्री वेब सर्विस है जो कि गूगल ने डेवलप किया था स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आप लेक्चर्स दे सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप गूगल क्लासरूम में कर सकते हो। सो, आज की जो वीडियो है वो है कि आप यहाँ पे किस तरह से कोई भी आप फाइल अगर आपको अपलोड करनी है, चाहे वो वीडियो फाइल है, चाहे वो पीपीटी है और या फिर पीडीएफ है, तो आप वो किस तरह से अपलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे साइन इन पे जाना है और गूगल क्लासरूम में आपको साइन इन कर लेना है। सो यहाँ पे गूगल अकाउंट आपको चूज़ करना होगा, जो भी आप गूगल अकाउंट से साइन इन करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ गूगल अकाउंट। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। जो भी आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड है। सो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास ये प्लस का आइकन आ रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आप टीचर हो, हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो एज अ मैं स्टूडेंट बात कर रही हूँ, तो अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है तो आप क्लास क्रिएट पे कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन क्लास करनी है तो आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको कोड एंटर करना होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको कोड प्रोवाइड करते हैं, तो वही कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। आप एक कोड किसी और क्लास के लिए एंटर नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर एक कोड आपको साइन हुआ है इकोनॉमिक्स क्लास के लिए, तो आप उसको मैथ्स के क्लास में साइन नहीं कर सकते, यानी अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कोड होते हैं। सो यहाँ पे मैं कोड एंटर कर रही हूँ। जो ये कोड होता है वो न्यूमेरिक डिजिट और करेक्टर डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जब आपका कोड एंटर हो जाएगा तो आप ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो भी आपकी वीडियो या फिर पीपीटी या फिर पीडीएफ, जो भी आपकी असाइनमेंट है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप ऐड और क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं फाइल चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी फाइल्स ड्रैग करनी है। तो जहाँ पे भी आपकी फाइल्स है वो वहाँ से आपको लेनी है। तो मैं इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे रखती हूँ, बिकॉज डेस्कटॉप से कोई भी फाइल फेच करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप बहुत सारे फोल्डर्स में रखोगे, सी ड्राइव में रखोगे, डाउनलोड्स में रखोगे, डॉक्यूमेंट्स में रखोगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर रही हूँ। सो एक बार ही मैं आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने ये सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं दूसरी सिलेक्ट करूँगी एड मोर फाइल पे जाके। सो ये गोल्स फिलॉसफी सॉरी, एंड उसके बाद मुझे करनी है ऑडियो फाइल। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं और फाइल्स ऐड कर रही हूँ। जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो आपको सारी ऐड कर लेनी है। सो यहाँ पे मैंने सारी फाइल सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 फाइल्स हैं। सो ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। सो अपलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वाली फाइल नहीं चाहिए, आपसे कोई गलती से अपलोड पे क्लिक हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से कट भी कर सकते हो। कोई यहाँ पे कट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इसके बाद जब आप सारी फाइल्स अपलोड कर लो, सो यहाँ पे मेरी जितनी भी फाइल्स थी, जो जो मुझे अपलोड करना था वो मैंने कर लिया है। मेरी एक पीडीएफ फाइल थी, एक पीपीटी एंड 4 ऑडियो फाइल्स थी। सो
अगर आपने अपलोड कर लिया है और आपने हैंड इन पे नहीं क्लिक करा है तो आपकी जो फाइल्स है वो अपलोड नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, हैंड इन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आएगा कि ये चीज़ें आपको अपने उसमें हैंड इन करनी है, कि 6 अटैचमेंट्स आपको हैंड इन करनी है, तो आप यहाँ पे हैंड इन पे क्लिक कर दोगे। मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल फिक्स कर रहे हो कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। सो यहाँ पे आपकी जो फाइल्स है वो सबमिट हो गई है। अगर आप दोबारा से सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो अनसबमिट करके। उसके बाद अगर आप जब बैक जाओगे, सो यहाँ पे आ रहा है कि जो भी आपके असाइनमेंट्स थी वो आपने अपलोड कर दी है, यहाँ पे आपको कोई ड्यू वर्क नहीं बचा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, अगर आपको अपनी असाइनमेंट देखनी है कि वो अच्छे से अपलोड हो गई है, सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो हो गई है अपलोड, योर वर्क हैंडेड इन। सो गाइस, इस तरह से आप गूगल क्लासरूम पे अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।